भगवान, किलो के किलो सर्फा साबुन लाई गेल आ कपड़ा मैल के मैले छै, साफे नहीं होइ छै। की भेल? देखै नै छियै ई कपड़ा। तो आब कपड़ा सफाई के लेल चिंता नै करू, किएक तऽ आब अहाँक बाजार में आबि गेल अछि हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट। अरे वाह, कपड़ा के सफाई एहन जे देखा में बिल्कुल नया लागे। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। जी हाँ, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल और हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। आज से मेरा घर तेरा हो गया। डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर बनवाक लेल इच्छुक व्यक्ति संपर्क करी। संपर्क मोबाइल नंबर 7203956887। संपर्क मोबाइल नंबर एक बेर फिर से 7203956887। सीएम कॉलेज किलाघाट दरभंगा में विवेकानंद जयंती पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ समापन। विजय प्रतिभागियों को महाविद्यालय के गणतंत्र दिवस समारोह में किया जाएगा सम्मानित। सीएम कॉलेज किलाघाट दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा के मार्गदर्शन में NSS इकाई के तत्वाधान में विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन हुआ। कार्यक्रम में अनेक तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राष्ट्र निर्माण में स्वामी विवेकानंद का योगदान विषय पर भाषण प्रतियोगिता में खुल्द महफूज प्रथम, मोहम्मद सरफराज द्वितीय तथा कुमार सौरभ ने तृतीय स्थान प्राप्त। अब 2 दिनों का आप लोग का यह कार्यक्रम आज समाप्त की ओर है। यद्यपि मेरी इच्छा थी और मैंने राठौर जी को कहा भी था, प्रोग्राम बनते समय जो आप 11 को शुरुआत कराएं, 12 को सामान्य प्रोग्राम कराएं और 13 को समापन करें ताकि पर्याप्त समय मिलेगा। कोऑर्डिनेटर का सर्टिफिकेट पर साइन वगैरह करना है, पुरस्कार लाना है, मेडल वगैरह, तो पर्याप्त समय भी मिलेगा। लेकिन ऐसा संयोग से नहीं हो पाया, कर कोई बात नहीं है। यहाँ पर मेडल आज आया हुआ है, प्रथम द्वितीय और तृतीय जो प्रतिभागी जीते हैं उनको दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी है। लेकिन कोऑर्डिनेटर की व्यस्तता थी और भरा हुआ नहीं था सर्टिफिकेट, कल भी मैं लाया था, संवाद की कमी हो गई इसलिए प्रमाण पत्र भरा नहीं। अब भरा दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन के कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। कोविड-19 के टीकाकरण वैक्सीन को लेकर के जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पर्याप्त व्यवस्था और वैक्सीन उपलब्ध है, लोगों को वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। कोविड-19 को देखते हुए सभी का बेहतर सहयोग मिला, डॉक्टर हो या नर्स, हर क्षेत्र में लोगों ने मदद किया और प्रशासन को पूरी मदद किया। जुलाई अगस्त में सबसे अधिक खतरा कोविड-19 के संक्रमण को लेकर के था, न जाने कब किस क्या हो जाए, कितनी संख्या में लोग बीमार के शिकार हो जाए कहना मुश्किल था। लेकिन सभी के सजग प्रयास और जागरूक होने के कारण इसकी संख्या में कमी आई और आगे बड़ी संख्या में इस तरह की बीमारी से लोग ग्रसित नहीं हुए, इससे संक्रमण पर काबू पाया जा सका। अब सरकार के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को भी शुरुआत होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को टीकाकरण दिया जाएगा, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप सभी को टीकाकरण दी जाएगी। इनका कोविन पोर्टल में इन लोगों का एंट्री हुआ, लगभग 17,000 लोगों का एंट्री हो चुका है, आज लास्ट डेट है। उम्मीद है कि सभी छूटे हुए लोगों का एंट्री हो जाएगा। इसके अलावा जो सेशन साइट में तैयारियां हैं उसके लिए कोषांग गठन हुआ है, विभिन्न पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।
प्रथम चरण में होने वाले सभी साइट्स का भौतिक सत्यापन करने के लिए निर्देश दिया गया है। पर्याप्त जगह और वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग, ऑब्जर्वेशन रूम, वेटिंग रूम, ये सब का व्यवस्था और वहाँ पर जो रखने वाली सामग्री का व्यवस्था भी की जा रही है। और वहाँ पर जो वैक्सीनेशन टीम है उसका भी गठन और उनका ट्रेनिंग कल आयोजित की जा रही है। कि सभी प्रकार की तैयारियाँ पूरी हो चुकी है और हम लोगों को उम्मीद है कि अच्छे ढंग से कार्यक्रम आयोजित होगा। लोगों से अनुरोध है कि यह वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, टेस्टेड है और संबंधित जो एजेंसी है उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस सबके बाद ये वैक्सीन हो रही है, इसका टीका लगेगा। इस पर पूरा सहयोग दें और अफवाह पर नहीं ध्यान दें। और किसी भी इश्यू है, कोई भी किसी का प्रश्न है, 1078 टोल फ्री नंबर है 1075 पर लोग पूछ सकते हैं या हमारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में संपर्क कर सकते हैं। एक बात की जानकारी लोगों को रखना चाहिए, कोविन पोर्टल में सारे एंट्री प्रविष्टि होने के बाद ही वैक्सीनेशन होगा। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें प्रविष्टि होना बहुत अनिवार्य है। इसके बिना, कोविन पोर्टल के प्रविष्टि के बिना वैक्सीनेशन नहीं होगा। वहाँ पर स्थल पर ये ना समझें कि सीधे स्थल पर जाएंगे वहाँ पर हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसको कोविन पोर्टल में प्रविष्टि होगा और उसको समझ जाएगा वही उन्हीं को टीका लगाया जाएगा 16 तारीख। इस बात को समझ होना चाहिए ताकि हर स्टेज पर, अगले स्टेज में तो पब्लिक रूम होगा, सेकंड स्टेज में आपका सैनिटरी वर्कर्स, पुलिस, होम गार्ड, ये सबको होगा, उसके बाद 50 साल के ऊपर और कोमॉर्बिडिटी जिनका उनको होगा। तो ये सब स्टेजेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले कोविन पोर्टल में रजिस्ट्री कराएं, उसके लिए समय समय पर हम लोग। स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन से ही नया भारत निर्माण होगा, डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा। राष्ट्रीय युवा दिवस से युवा कौशल का विकास संभव, डॉक्टर अशोक सिंह ने कहा। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम के तहत कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा में स्वामी विवेकानंद के जन्म समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय इकाई द्वारा बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक द्वारा आयोजित महाविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद के तैलचित्र पर प्रधानाचार्य, कार्यक्रम पदाधिकारी, महाविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक को द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि ऊर्जा स्रोत है, उनके प्रति आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर लोगों ने अपने लोग उन्हें जो आज पूरे भारत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और युवाओं की कई संस्थाओं में जो आज पूरे देश में जो कार्यक्रम किया गया है, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उन्होंने शिकागो में जो भाषण किया था चिन्ह पर, जो विश्व गुरु के रूप में आज उनके दिए गए आदर्श के पालन करते हुए भारत पुनः से फिर से विश्व गुरु बनने की एक दौर में है। और यह सारी बातें स्वामी विवेकानंद के दिए गए निर्देश के कारण हो रहा है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज के दिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर साल हमसे कॉलेज में हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। साथ ही अपने नौजवान बच्चों को इस बात का सबक देते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी अपने अल्पकालीन में, यानी 40 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई, अपने देश के लिए इन्होंने जो कुछ कर दिया वो आज देश इनको सलाम करता है, पूरा देश इन पर कुर्बान है। हर इंसान को अच्छा इंसान बनना चाहिए था, स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी से उनको सबक लेना चाहिए था। उनका कहना था कि अनुभव प्राप्त करते रहिए, चाहे किसी भी अवस्था में रहिए, सबसे बड़ी यही सीखा। दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित अम्बेडकर सभागार में कोविड 19 टीकाकरण को लेकर के हुई बैठक। कोविड 19 टीकाकरण का पहला चरण प्रारंभ होगा।
जिसमें स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चिकित्सक, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ, वहां के सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता का टीकाकरण किया जाएगा। इसकी अंतिम तैयारी को लेकर के दरभंगा समरणालय अवस्थित अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें IMA, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जिला शांति समिति के सदस्य एवं संबंधित पदाधिकारीगण भाग लिए। बैठक में COVID-19 टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल को पावर पॉइंट प्रोडक्शन के माध्यम से सभी को अवगत कराया गया। बताया गया कि इसमें 4 वैक्सीनेटर ऑफिसर रहेंगे और टीकाकरण केंद्र पर काम कम से कम 3 कमरे रहेंगे, जिसमें पहले कमरे में कोविन पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति है या नहीं, यदि नहीं है तो उन्हें चतुर्थ वैक्सीनेशन ऑफिसर के पास आगे के मार्गदर्शन के लिए भेजा जाएगा। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर लाभार्थी का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक, छापेमारी में बंद मिले दुकानों की गई निलंबित, उर्वरक दुकानों पर लगातार होगी छापेमारी। रवि फसल को लेकर के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन की अध्यक्षता में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उर्वरक निगरानी समिति के सदस्यों ने विधायक अली नगर मिश्रीलाल यादव एवं विधायक केवटी मुरारी मोहन झा उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक फसल ऋतु के लिए एक बार उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की जाती है। बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में 10 जनवरी को सभी SDM, DCLR एवं ASDM द्वारा उर्वरक की दुकानों पर छापेमारी पर चर्चा हुई। बताया गया कि छापेमारी में 5 उर्वरक दुकानें बंद पाई गई थी। उल्लेखनीय है कि जिले में रबी फसल के लिए किसानों की उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराई जा रही है। सदस्य सचिव सह जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा राधा रमन ने बताया कि छापेमारी में बंद पाई गई 5 दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। विधायक अली नगर ने रबी के लिए वितरित किए गए बीज की गुणवत्ता के संबंध में बताया कि कुछ किसानों ने इसकी शिकायत की है कि जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा को उर्वरक दुकानों पर लगातार छापेमारी जारी रखने के निर्देश दिए तथा अलीनगर क्षेत्र में छापेमारी के दौरान वहां किसानों से बीज की गुणवत्ता के संबंध में भी फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान पदाधिकारी किसानों से बात करेंगे, उन्हें यूरिया उचित मूल्य पर मिल रहा है या नहीं। बैठक में नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम मनीष कुमार मीना, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, परियोजना निदेशक आत्मा पुरेंद्र झा सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। आप लोगों को भी जानकारी करने के लिए यूरिया का काला बाजारी हो
सामान नहीं दे रहा है तो आपके माध्यम से भी हम लोगों के माध्यम से भी इसी संबंध विजन इंडिया कंपनी ने युवाओं के लिए सरल रोजगार हेतु एम्प्लॉय इंडिया कैंपेन की हुई शुरुआत। दरभंगा शहर के दिल्ली मोड़ स्थित विजन इंडिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विजन इंडिया कंपनी ने युवाओं के लिए सरल रोजगार हेतु एम्प्लॉय इंडिया कैंपेन युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने की अनूठी पहल की शुरुआत की है। इस कैंपेन के माध्यम से विजन इंडिया युवाओं को ट्रेनिंग देकर के उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएगी। कैंपेन के बारे में विजन इंडिया के CEO विवेक कुमार का कहना था कि 100 से ज़्यादा कंपनी के साथ स्टाफिंग और पार्टनरशिप के दौरान यह महसूस हुआ कि आज सबको एक अच्छे प्रोफेशनल की ज़रूरत है और उसी के साथ यह काम शुरू किए हैं। जुड़ सकते हैं और इसमें किसी भी तरीके का कोई चार्ज उनसे नहीं लिया गया है। यह तरफ से जितने भी तरह के ट्रेड होते हैं उनके यहाँ कोर्सेज यहाँ उपलब्ध है। अपने पसंद के अपने इंटरेस्ट के ट्रेड को वो चुनाव कर सकते हैं और वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने का सबसे पहला बेनिफिट तो उनको उस ट्रेड की जानकारी होगी और दूसरा जो है जिसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं वो है रोजगार, उनको उस ट्रेड में रोजगार दिया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर एक्सीलेटर इलेक्ट्रॉनिक सिटी ने काम करना शुरू कर दिया है जिससे यात्रियों को काफ़ी लाभ हो रहा है। काफ़ी दिनों से दरभंगा जंक्शन पर इस तरह की व्यवस्था की मांग थी जिसे रेलवे विभाग के द्वारा पूरा किया गया। दरभंगा जंक्शन काफ़ी आज आय देने वाला जंक्शन है। बता दें कि इसकी सुंदरता में चार चांद के साथ साथ सुविधाओं में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है दरभंगा जंक्शन। पाग शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ दरभंगा महोत्सव। मुख्य अतिथि की भूमिका में मुख्य अतिथि LNMU कुलपति, विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर मृदुल शुक्ला, गुंजन शुक्ला मंचासीन थे। संगोष्ठी में अपना व्याख्यान रखते हुए शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने कहा कि दरभंगा के इतिहास पर चिंतन आवश्यक है। दरभंगा महोत्सव आयोजन समिति ने पाग शोभा यात्रा से उद्घाटन सत्र का आयोजन हुआ। पाग शोभा यात्रा झांकी की तरह मिथिला संस्कृति को दिखाता हुआ MLSM कॉलेज से आयकर चौराहा होते हुए विश्वविद्यालय चौरंगी पर पहुंची। इस पाग शोभा यात्रा का उद्देश्य मिथिला एवं दरभंगा की सांस्कृतिक परंपरा व पहचान को अक्षुण्य रखना है। कामेश्वर नगर अवस्थित चौरंगी पर मुख्य अतिथियों ने महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर दरभंगा के अतीत और वर्तमान विषय पर संगोष्ठी का शुभारम्भ किया।